प्रोग्राम तारे आखते दे वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गल करते हैं राहु के बारे कि राहु तो किन्ना किन्ना चीज़ों के बारे पता लगता है। सब तो पहला तो ताश के बारे, कैरम बोर्ड्स के बारे पहेलियाँ, फिर नींद ना आनी, फिर जरा लॉजिक हैगा तर्क करन दा, तर्क एक स्वभाव, फिर इंसान का जरा है कोई भी जरा है म्यूनसपैलिटी संबंधित काम हो सकता है, जिला परिषद संबंधित काम, विधानसभा, लोकसभा, कमीशन एजेंट, विज्ञापन, फिर जरा किसी भी जरा उन्माद अवस्था यानी कि उदा की सिचुएशन हिस्टीरिया, फिर सर्कस, गबन, विश्व बंधुत्व, खेल, आध्यात्मिक तरक्की, फिर अचानक कोई काम करना, विलक्षणता, चौंकान वाला काम, फिर अस्पष्ट व्यवहार, पूर्वजों का गुणगान, फिर जड़ा है भूत प्रेत भ्रम प्रचार विभाग, ते नाल ना जड़ा है अफवाह, इहदे नाल राहु दा तालुक हुंदा है। केतु दा किहदे नाल तालुक हुंदा है? बलात्कार, दुष्टता, फालतू दीआं गल्लां, जड़ी घटिया टाइप दीआं गल्लां लगदीआं, फिर निमन स्तर दे काम, अव्यवहार, पाप, कठिन काम, समुद्री जीवन, तरंगा, चमड़ी दे रोग, पिशाच बाधा, फिर क्षुधा, निर्बलता, फिर जड़ा कृष्ता आदि इन्हां चीज़ां नाल हुंदा है। सो इस तरीके दे नाल असी अपने ग्रहां ते उहदे नाल संबंधित अभिव्यक्तियां नूं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्हां कारकां दा प्रतिनिधित्व जड़ा हैगा संबंधित ग्रह करते हैं। इसलिए जन्म कुंडली दे विच जड़े ग्रह कमजोर स्थिति दे विच ने, नीच राशि दे जां हानिकारक स्थिति दे विच है, उन्हां नाल संबंधित तत्वों के उत्ते घट्टो घट जड़ा ज़्यादा प्रभाव पवेगा। इस दे विपरीत शुभ ते मजबूत ग्रह होण ते इंसान नूं ज़्यादा लाभ हो सकता है। सो जिनी भी ये डीप जानकारी सी, हफ्ते की पूरी जानकारी तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच भी पढ़ सकते हो। घर नहीं बन पा रहा, प्यार दे विच धोखा मिल गया, या सोतन दे कारण परेशानी आ रही है, घर दे विच तुहाडे वास्तु दोष हैगे, किस्मत बहुत ढिली चल रही है, इदां दी कोई भी जे तुहानू समस्या आ रही है तां उहदे इक वैदिक हल दे लई सलाह लैण दे लई तुसी सानू आ के अपना टेवा दिखा सकते हो। आन तो पहला तुसी जड़ा है समा जरूर ले लियो, ते असी तुहानू यकीन दिलाने हैं कि छोटे छोटे दान पुन पाठ पूजा एक रतन या रुद्राक्ष धारण करन नाल परमात्मा थोड़ी जरूर प्रॉब्लम दा हल कर सकते हैं। हुण है जी अगला नुक्ता, जदों इंसान नूं जड़ा है बहुमूत्र की प्रॉब्लम आती है तो मूली का रैगूलर जो सेवन करते हो तो इस प्रॉब्लम थानू आराम मिलता है। एक्सेसिव यूरिन, सो होर विकार भी जिन्नियां प्रॉब्लम होंदियां यूरिन नाल संबंधित थोड़ियां दूर होंदियां। बहुत वारी साड़ी बीमारी जिहड़ी है साड़ी बिल्कुल नहीं ठीक हो रही होंदी, असीं बहुत सारियां दवाइयां लैंदे आं फिर भी ठीक नहीं होंदे, ऐसी हालत में सानू टेवा जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि सानू पता लग जांदा है कि किहड़े ग्रह दे कारण जड़ा है किहड़ी बीमारी आ रही है, ते छोटिया छोटिया जड़िया बूटिया दे नाल भी तुसी बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हो। ते जे तुसी पुछना चाहो तो तुसी टाइम लेके नाम नोट करा के साडे कोल आके अपने उन्हां माड़े ग्रहां दे बारे पुछ सकते हो जिहड़े तुहानूं रोग दे रहे हैं, ते उहदे बारे सुझाव ले सकते हो कि किद्दां तुहाडे रोग उन्हां ग्रहां दे दान पुन खुद करके जल्दी ठीक। वास्तु दे बारे हुण नोट करो कि पौड़ियां दे नीचे कदी भी तुसी पूजा कर या टॉयलेट नहीं बनाना, मकान या प्लाट दे सेंटर दे विच खूह या जड़ा हैगा नलकूप बनाना बिल्कुल अशुभ हो सकता है, प्लाट जड़ा गोलाकार, त्रिभुजकार, बहुपुजाकार या असंगत या फिर अलग अलग आकृति दे होण ओह निरंतर कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देंदे है। समकोण आकार यानी कि चतुर्भुजाकार या आयताकार प्लाट ज्यादा वधिया हुंदे है। बहुत सारे लोगों के घर वास्तु दोष होता है, टॉयलेट गलत जगह से बनी है, मंदिर गलत जगह से बने है, रसोई गलत जगह से बनी है, इस हिसाब के घर टनान जी कि रखनी है उत्थे नहीं है, टैंकी कितने है उत्थे नहीं है, टॉयलेट पिट जिथे नहीं होना चाहिए उत्थे है, यही कारण है कि लोग बहुत बीमार रहते हैं। जे थोड़े घर का वास्तु भी खराब है तो तुम या साडा परसनल विजिट करवा सकते हो या साडे को नक्शा लिया के ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ ਭੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। रुद्राक्ष की गल करते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष जड़ा है इन्हू धारण करने विच एक विशेष नियम जरूर होंदा है कि जिथे होर रुद्राक्षां दा दाना सिर्फ एक दाना ही आपां पा लैंदे हैं, सो पंचमुखी दे घट्टो घट तीन दाने धारण करो, इस तो घट धारण करना बहुत घट लाभ मिलता है। सो ज़्यादा कोशिशों तो बाद भी इंसान कई बार अपने उद्देशों सफल नहीं हो पाता, तांत्रिकां दे द्वारा कीती जाण वाली
तामसिक पूजा आदि दे पाप तो उनु पांच मुखी रुद्राक्ष जड़ा वो हमेशा मुक्ति दिलांदा उनु राहत दिलांदा। सो प्यारे दर्शको सारी डिटेल्स तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच पढ़ सकदे हो। रुद्राक्ष भगवान शिव जी दी शक्ति दा आशीर्वाद है। रुद्राक्ष पाउण दे नाल जिथे तुहाडा बीपी ठीक हुंदा है उत्थे तुहानू कंसंट्रेशन मिलदी है ते शरीर दी सारी फालतू गर्मी जिहड़ी रुद्राक्ष बाहर कढ दिंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲਗਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉਪਾਅ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡ ਪੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1,00,000 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗਲਤੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ। ਜੋਤਿਸ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਕੇ, ਨੁਕਤੇ, ਵਾਸਤੂ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼, ਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 130 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 52 ਇਸ਼ੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸੇ पूछा और उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए जो मुझे बहुत फिट बैठे। मैं कुछ समय तो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर, जिसके कारण ही तो मैंने किसी ने सजेशन की थी कि सुखमिंदर जी का नाम मैंने दिता गया, मैं इन्हों को गया, इन्होंने मैं मेरे काम के हेतु कुछ योजे उपाय दसे जिन्होंने नाल मैं अज बहुत ज्यादा बेनीफिट मिल रहा है। मैं इस कारण सुखमिंदर जी का तह दिलों शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैं ये तरक्की का राह। प्यारे दर्शकों असी 25 तो 26 मई तक जड़ा है वृंदावन दे विच मिलांगे। जड़े भी साढ़े दर्शक उत्थों ते ने जड़े सानू अपना घर का वास्तु विजिट करवाना चाहते या कुंडली चैक कराना चाहते है वह साढ़े को टाइम लैके उत्थों दे लई अपॉइंटमेंट पहला ही बुक कर सकते हो। याद रखियो 25 ते 26 मई वृंदावन दे विच। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਨਸ ਦੀ। ਪਾਇਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਹਿਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੋਪ ਮਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਤੇ ਐਲਮਨਡਾਈਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਾਂਬੀਆ ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
तुरमली की गल करते हैं, तुरमली एक ऐसा रतन है जिहड़ा बहुत सारे रंगों के विच मिलता है। सो रंगों के मुताबिक इहदियां किहड़ियां किहड़ियां किस्मां होंदियां नोट करो। पहला है एक्रोआइट, ये जिहड़ा रंगहीन तुरमली के नाम के नाल जाने जाता, बहुत ही घट मिलता है। फिर रूबे लाइट, एक गुलाबी गाजरी ते लाल ते कदी कदी हल्का बैंगनी भी होंदा है। फिर है डेवाइट, ये पीले भूरे तो गहरे भूरे रंग का होंदा है। फिर वर्ल्डे लाइट, ये पत्थर जिहड़ा है हरा होंदा है, इहदे विच हरी छाप दिखाई देंदी है, ये तुरमली का ही प्रमुख रूप मनिया जाता है। फिर इंडिगो लाइट, ये पत्थर नीला होंदा है। साइबेराइट, ये पत्थर जिहड़ा बैंगनी या नीले रंग का होंदा है। फिर स्कॉर्ल, इहदा जिहड़ा आम तौर पर रंग काला होंदा है, ये आम तौर पर गहनों के जड़िया होंदा है। सो स्टोन के बारे सारी जानकारी तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियन दे विच जरूर पढ़ियो जी। रत्नों के विच बहुत ज्यादा शक्ति होंदी है, ये रत्नों को जो असं पाने तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है, साड़िया बहुत सारिया प्रॉब्लम्स दूर होंदिया है। लेकिन साडा परसनल एक्सपीरियंस है, असं जिन्हें भी लोगों के कुंडलियां देखी है उन्होंने 95% लोगों के या तो गलत रतन पाए होंगे या नकली पाए होंगे या वह पाए होंगे जिन्हों की लोड़ बिल्कुल नहीं है। जेड़े रतन पहने चाहिए है उन्होंने नेड़े भी कभी वो नहीं निकलते। रतन सूरज दियां किरणां लैके शरीर तक पहुंचते हैं तो एक चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। जे तुसी भी कोई भी रतन पाना चाहते हैं तो उदू पहला तुसी सानू अपनी कुंडली जरूर चैक करा सकते हो, तो असीं तुहानू सुजैस्ट कर सकते हैं कि तुहानू किहड़ा रतन पाना चाहिए। तो साडे कोल एक उपरतन की सिद्ध की हुई अंगूठी सिर्फ 700 रुपए तो लैके तुसी पाके निश्चित रूप दे नाल प्रभु दा आशीर्वाद हासिल कर सकते हो। फिलहाल जी अज का राशिफल मेष राशि वाले जड़ा है, अज विदेश तो चंगे सुख स्नेह आन की उम्मीद पाती है। वृष राशि वाले अज वे अफसर के नाल थोड़ी रिलेशन जोड़े बिगड़ सकते हैं, बहुत ध्यान रखियो। गरीब कन्यावान अज तुम चावल दान करियो। मिथुन राशि वाले व्यापार अज काफ़ी चमक सकता, नवे ऑर्डर मिल सकते हैं। कर्क राशि वाले नौकरी के तरक्की के योग बन सकते हैं। सिंह राशि वाले अज का दिन जड़ा है विदेश तो चंगे सुख स्नेह आ सकते हैं। कन्या राशि वाले कोई एजेंट अज थानू जड़ा विदेश के नाते लुट सकता, बहुत केयरफुल रहियो। तुला राशि वाले सारा दिन सुस्ती पई रह सकती है। वृश्चिक राशि वाले मन चाहे पिकनिक स्पॉट ते घूमन जा सकते हैं। धनु राशि वाले अज का दिन जड़ा है बहुत केयरफुल रहिंदा ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आन। मकर राशि वाले खानदान दे अज नाम उच्चा करन दे लई थानू काफ़ी सक्सैस मिल सकती है। कुंभ राशि वाले लंबी बीमारी तो राहत मिलेगी। मीन राशि वाले किस्मत का सितारा अज थानू बहुत कुछ देने वाला है। सो राशिफल ते साडे आने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल भी तुसी साडे अखबार वॉइस ऑफ एशियन दे विच पढ़ सकते हो। हुण तुसी सानू रोजाना देख सकते हो फास्ट वे फिल्मी ते सवेरे 7:55, शामी 8:15 ते प्रोग्राम तारे आखदे ने विच। जान तो पहला कहांगे सब तो वड्डा दर्जा मां दा, जदों भी करों जाने मां दे चरण छू के जाओ, पिता जी दा आशीर्वाद लेके जाओ, गुरु जी ने दसे हुए रस्ते ते चलो, झूठ ना बोलो, गाला ना कड्डो, किसी का माड़ा ना करो, तकदीर थोड़ी बहुत वधिया हो जाएगी। धियां नूं कुखां च ना मारो, हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाओ, नशियां तो दूर रहा करो, दसवंध कट के नेक कम्मां च लगाया करो, देखो थोड़े सारे सितारे किन्ने वधिया होंदे है। कल फिर मिलते हैं, कल तक लई नमस्कार।